इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड द रेडियस 10 सेंटीमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड बोथ द कोड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओ इफ द डिस्टेंस पी क्यू एंड आर एस इज 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं यहाँ से, ये आपके सामने एक सर्कल है, दो कोड्स इसमें बनाते हैं यानी कि जीवा यहाँ से बनाते हैं, एक जीवा आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बोला क्या गया है, दोनों के बीच का जो दूरी है भाई वो हमें दे रखा है कितना, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको हम ओ सेंटर मान के चलते हैं और हमें रेडियस भी तो पता है, अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये हो जाएगा कितना है? 10। कितना है भाई? 10 है, ये 10 है, ये भी रेडियस होगा, सरकमफेरेंस से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ही बोलते हैं। अब देखो भाई पी एस, इसको पी कर लो, इसको एस कर लो, इसको पी और इसको क्यू कर लो। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये पूरा का पूरा कितना है पी क्यू, 12 सेंटीमीटर। अगर कोड जो है 12 सेंटर से किसी भी कोड पर हमें परपेंडिकुलर डिस्ट, देखो सेंटर से डायरेक्ट कोड पे हम कोई भी लेंथ डालेंगे सेंटर से तो परपेंडिकुलर होता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब आप तो जानते हो भाई ये 90 है तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 6 है 10 है तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको ट्रिपलेट भी याद है 6 8 10 का तो इसे भी कर सकते हो। पूरा लेंथ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, ये 8 हो गया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो अगेन ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ भी तो 8 हो जाएगा, ट्रिपलेट करोगे तो 6 8 10 का। अगर ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी 8 होगा। तो टोटल लेंथ हमसे पूछा गया पी एस का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए।